कंप्यूटर मेमोरी को समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि हम कैसे वस्तुएं याद करते हैं। जब कोई हमें अपना नाम बताता है या बताती है तो क्या होता है? तब हम नाम याद करते हैं। तो जब हम उसी व्यक्ति से अगली बार मिलते हैं तो हम उन्हें उनके नाम से बुलाते हैं। नाम कहाँ पर भंडारित होते हैं? ये हमारे मस्तिष्क की स्मृति में भंडार हो जाते हैं। जब भी हमें कुछ पता चलता है तो वह हमारी स्मृति में भंडार हो जाता है। इसी प्रकार यदि आपसे एक सरल सा सवाल पूछा जाता है कि 2 + 2 कितने होते हैं, तो क्या आप सभी उत्तर दे सकते हैं? एकदम सही, 2 + 2 होते हैं 4। तो आपको कैसे पता चला? आपने अपने मस्तिष्क में गणना की, सही ना? इसी प्रकार कंप्यूटर को चीजों को याद करने की और कुछ गणना करने की और सरल प्रक्रिया करने की आवश्यकता होती है। इसे एक मेमोरी की आवश्यकता होती है। तो जहां पर कंप्यूटर आंकड़ों और प्रोग्राम को भंडारित करता है, उसे कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है। ये होती है प्रारंभिक या मुख्य मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। अब मैं आपके लिए कंप्यूटर मेमोरी की व्याख्या करता हूं। मुख्य मेमोरी बहुत ही तेज होती है और इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी अर्थात रैम कहते हैं। आंकड़े और निर्देश मुख्य मेमोरी में सहेजे जाते हैं, जहां से उन्हें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU परिणाम हासिल करने के लिए प्राप्त करता है। रैम वह मेमोरी होती है जिसमें सभी प्रोग्राम भंडारित होते हैं। कंप्यूटर की गति रैम पर निर्भर करती है। कैशे मेमोरी वह मेमोरी होती है जो रैम का हिस्सा होती है और प्रोसेसर के निकट होती है। इसे प्रोसेसिंग गति बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मुख्य मेमोरी सीमित होती है। तो असीमित आंकड़ों को भंडारित करने के लिए हमें द्वितीयक मेमोरी की आवश्यकता होती है। चलिए समझते हैं कि इसे द्वितीयक क्यों कहते हैं। द्वितीयक आंकड़ों पर रखे गए आंकड़े या कार्यक्रम को कंप्यूटर पर प्रयोग किए जाने के लिए रैम पर प्रति बनाए जाने की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर द्वितीयक मेमोरी से सीधे कोई आंकड़ों को प्रोसेस नहीं कर सकता है। द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण हैं फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक बबल मेमोरी और ऑप्टिकल मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में जानना रोचक है। चलिए अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर में आंकड़ों को भंडारित क्यों किया जाता है। कंप्यूटर सभी जानकारियों को केवल 2 ही अंकों 0 तथा 1 में भंडारित करता है। एक एकल बाइनरी अंक जो कि 1 और 0 है को बिट कहते हैं। 8 बिट के एक समूह को बाइट कहते हैं। 1 बाइट 8 बिट्स के समान होता है। 1 किलोबाइट या 1 KB 1024 बाइट के समान होता है। 1 मेगाबाइट या 1 MB 1024 KB के समान होता है। 1 गीगाबाइट या 1 GB 1024 MB के समान होता है। तो यदि आपको कोई बताता है कि आपके पास 1-2 GB रैम है, तो आपको पता होगा कि इसका अर्थ क्या होगा?